चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी फिर दोबारा से रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। फरीदा लोकसभा क्षेत्र में क्या हुआ, कौन कितनी वोटों से आगे है, आप देखें तो आप ये देख लीजिए। जनरल इलेक्शन टू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ट्रेंड एंड रिजल्ट जून 2024 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फरीदाबाद 10। तो सबसे आगे मैं बता दूँ, भाजपा के प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर, लगभग 1,05,564 वोटों से जीत की ओर अग्रसर हैं। मैं फिर रिफ्रेश करके दिखा दूं जिससे कि आप ये ना कहें, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों। और आप सबसे एक अनुरोध कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं महेंद्र प्रताप जी का भी दिखा देता हूँ, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने जबरदस्त टक्कर दी है, 287,719 वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए। इस समय 1:10 का मैं आपको टाइम इस समय का मैं बता रहा हूँ, दोबारा से देख लीजिए एक बार दोबारा से दोस्तों। 1,00,000 कृष्णपाल गुर्जर का बता रहा हूँ मैं आपको, 1,06,525 वोटों से आगे हैं, जीत की ओर अग्रसर है लगभग। आप ये मान के चले कि इनके कार्यालय पर खुशी नज़र आ रही है लोगों में। जब हमने होडल के विधायक से बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर, होडल के विधायक है जो जगदीश नायर, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप होल्ड पर रहें मेरे साथ। मैं ये देखिए, जगदीश नायर जी अपने कार्यालय पर समर्थकों के साथ न्यूज चैनल पर अपडेट देखते हुए कि रिजल्ट किस बेहतर, जब उनसे हमारी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग हम अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। देखिए हम पल पल की अपडेट आपको देते जा रहे हैं, फिर भी मैं वापस आपको वहीं लेकर के आता हूँ। आप ये देखें कि देखिए अब इतना मार्जिन जो प्लस होता जा रहा है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार देखिए दोस्तों। आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपको कार्यक्रम हमारा पसंद आए तो कृपया इसको लाइक, साथ में कमेंट और हो सके तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों के लाइक शेयर और फॉलो करने से हमें ताकत मिलेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर हमें लगेगा कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा आपको दिखा पा रहे हैं और सही सटीक रिजल्ट। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर बता दूं, व्हाट्सएप पर जो ज़्यादातर फॉरवर्ड जो लोग करते हैं, कैमरा एडिटिंग करके कर देते हैं, इसलिए उस पर विश्वास जल्दी से ना करें। मैं ये भी नहीं कहता कि विश्वास ना करें, आपका कोई किसी जानकार व्यक्ति ने डाला है तो निश्चित तौर पर सही डाला होगा, लेकिन अब आप ये मैं देखा पहले कृष्णपाल गुर्जर जूम करके रखिए, बोले कृष्णपाल गुर्जर 1,06,525 वोटों से आगे जीत की ओर अग्रसर है। महेंद्र प्रताप 2,99,538 वोट हासिल किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, 13,698 वोट हासिल किए उन्होंने। सुनील तेवतिया हैं जो INLD इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी हैं, 3,225 वोट हासिल किए इन्होंने। JJP के हैं, इन्होंने बहुत कम वोट हासिल किए, शायद जमानत पर मुझे लगता नहीं जब बचा पाए लोग, और बाकी और भी हैं सभी नीचे। तो लगभग जो पोलिंग की अगर हम बात करें, लगभग 7-8 लाख वोटों का रिजल्ट सामने आया है, लगभग 7-8 लाख वोटों का रिजल्ट आया है। 60% वोटिंग हुई है, लगभग 24 लाख के आसपास हमारे फरीदा लोकसभा में वोट हैं, 60% वोटिंग हुई है, तो आप मान के चलेंगे 13-14 लाख की वोट उन वोट जो हमारे पोल हुई उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो 8 लाख अगर हम मान लें तो 6 लाख वोटों का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो अगर आप एक अनुरोध कि आप भी कोई सवाल डालें, आप भी कोई जवाब डालें, आप भी हमसे बात करें किसी तरीके से, तो हम आपको कुछ सुनाएंगे, हम आपसे कुछ पूछेंगे किस किस तरीके से क्या कुछ खास होने जा रहा है, आखिरकार क्यों जीत होती दिखाई दे रही है, क्यों कांग्रेस का प्रत्याशी पीछे होता दिखाई दे, कुछ तो कमियां रही होंगी, कुछ तो अच्छाइयां रही होंगी कृष्णपाल गुर्जर की क्यों। और देखिए मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि अगर ये जीत भी है तो कृष्णपाल गुर्जर प्लस BJP प्लस जो लोकल जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनके कारण ये जीत होती ही दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मैं विधानसभा वाइज आपको रिजल्ट नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा वाइज अभी आंकड़े आने बाकी हैं, जो सरकारी जो जिला प्रशासन फरीदाबाद के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे वो शाम तक ही उपलब्ध हो पाएंगे। एक्यूरेट सही जो सटीक होंगे जो आंकड़े होंगे वो शाम तक उपलब्ध हो पाएंगे हमारे पास, तो हम वो आपको दिखाएंगे। मैं एक बार फिर रिफ्रेश करके आपको दिखा दूँ कि अगर आंकड़ा कुछ कम या ज़्यादा हुआ है तो, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बहुत स्लो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हद से ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं और देखना भी चाहिए क्योंकि आज लोकतंत्र का सबसे, लेकिन अब की बार सभी जगह चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं कि हमने जब सब लोगों ने सोचा कुछ तो हुआ कुछ है। अब ये देखें सबसे बड़ी बात, 1,11,329 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर फिर आगे चले गए दोस्तों, 1,11,329 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर आगे हैं। तो लगभग लगभग मान के चलें कि लड्डुओं की तैयारी अब होने लगी होगी।
लड्डू के ऑर्डर कर दिए गए होंगे। लड्डू शाम का आपका कोई इंतजार है कि 4 या 5 बजे तक मुझे लगता है कि स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ खास इसमें होगा, तो लड्डू की तैयारी करें। और दोस्तों हम कृष्णा गुजर के कार्यालय से भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। 111,329 वोटों से बढ़त लेकर के चल रहे हैं कृष्णा गुजर। और हम देखिए, मैं अपने कार्यालय से आपको दिखा पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। इस समय कार्यालय मौजूद हूँ, क्योंकि हालांकि हमारी मीडिया सेंटर पर भी इनवाइट किया कि आप यहाँ से भी कवरेज कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि हमने बेहतर समझा कि यहाँ से बैठ करके हर जगह की आपको दिखा पाएंगे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ हरियाणा के इलेक्शन पे। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, हरियाणा के इलेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए हरियाणा का, आप देख लीजिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी भी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो कहाँ पर है आप ये देख लीजिए जरा एक बार। अम्बाला से वरुण चौधरी हैं, टोटल वोट इतनी ली हैं 4,13,618, मार्जिन है 14,999 वोटों से बढ़े आगे चल रहे हैं वरुण मुलाना, वरुण चौधरी। सिरसा से हैं कुमारी शैलजा जी, जो कि 4,67,355 वोट हासिल की हैं, 1,70,090 वोटों से वो आगे इस समय हैं। ऐसे हिसार से जयप्रकाश हैं, वो भी 17,767 वोटों से आगे हैं। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, आप एक बार जूम कर लें, मैंने बोल्ड किया है, आप पढ़ लें नाम वगैरह, ये हैं 1,73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं जीत की ओर अग्रसर हैं। गुड़गांव से हैं राजबब्बर, जो फिल्म अभिनेता भी हैं और बाहरी उम्मीदवार ने बताया गया, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मार्जिन लेकर चल रहा है 11,296 वोटों से अभी इस समय आगे हैं। और बीजेपी कहाँ आ गया मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार। बीजेपी किन किन सीटों पर आगे है, बीजेपी नवीन जिंदल साहब अभी आगे आ गए हैं कुरुक्षेत्र में। सुबह तक ओम प्रकाश जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब नवीन जिंदल 2,08,096 वोट ली हैं, मार्जिन है 8,346। लेकिन ये बहुत आंकड़े बदल भी सकते हैं, ऐसा आप इनको अभी रिजल्ट ना माने। करनाल से हैं मनोहर लाल जी, 4,19,859 वोट ली हैं, 1,41,739 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोनीपत में है मोहन लाल बड़ोली, लगभग 10,911 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे भिवानी महेंद्रगढ़ से हैं धर्मवीर सिंह हैं, 24,491 वोटों से आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर हैं, लगभग 1,11,329 वोटों से। सबसे बड़ी बात देखिए यह है, अगर बीजेपी की ये लोग जीतते हैं पांचों, तो सबसे बड़ी जीत मैं मान करके चलता हूं या तो करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री होंगे। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं दोस्तों। देखिए आप सबसे की अनुरोध कि शाम को जब रिजल्ट आए तो आप सभी भी हमें अपने वीडियोज और फोटोज भेजें, जिस भी और कोई ऐसी कोई आप सबसे निवेदन कि कोई ऐसा कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि कोई दिक्कत हो। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया देखिए मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ जूम कर दूंगे, आप फेसबुक पर जाकर के पॉजिटिव न्यूज़ आप सर्च करें, न्यूज़ 20 सर्च करें, आप वहाँ से पल पल के अपडेट ले सकते हैं। धन्यवाद।